अभी तो सूचना हमारे पास नहीं है। तो हमने तो खुद अपनी 20 गाड़ियां जो है पेश की है, जिनमें 12 गाड़ियां हमारे पास मात्र है। हमने नई इनोवा गाड़ी आई थी, वो सारी गाड़ियां हमने कनेक्ट कर दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री में। पेट्रोल हम जो है उसका ड्राइवर हमारा होगा और फ्री में ट्रांसपोर्ट जो मिलते हैं वो गाँवों से जो दूर दराज के क्षेत्र है, जो लोग मेडिकल एड लेना चाहते हैं, एक 500 बेड का हॉस्पिटल भी यार आप देख रहे हो, उसका मायना भी अभी हम करके आए, तो 500 का बेड अगर आ जाएगा तो उस वक्त गैस की किल्लत नहीं बचेगी, बेड की किल्लत रहेगी ही नहीं, तो लोग घरों के अंदर ना रहे। कोरोना बीमारी जो है बहुत भयंकर है और उसका निदान है, लेकिन अगर वो टाइमली उपचार ले लेते हैं आकर के हॉस्पिटल आ जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, दूसरी जो और बॉडी के वाइटल पार्ट्स हैं उनमें अगर कोई संक्रमण फैलने की संभावना अगर बनी होती है तो डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके वो काबू कर लेते हैं। हमारे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्यकर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी सब लग के दिन रात आप देख रहे हो काम कर रहे हैं। और सबका प्रयास यही है कि कोरोना की चैन को तोड़ना है और कोई आदमी अपने आप को मजबूर महसूस ना करे, जिस आदमी को आवश्यकता है इलाज की, ट्रीटमेंट की, वो आए। पूरा प्रयास प्रशासन हर तरीके से कर रहा है कि जितनी जो जिसकी संभव सहायता हो सकती है वो हम उसको मुहैया करवा रहे हैं। सर, पुलिस के जवान जो हैं वो 12-12 घंटे पहले ड्यूटी कर रहे थे, 8 घंटे भी अभी कर रहे हैं, तो क्या होमगार्ड के जो जवान हैं उनको भी अभी लिया जाएगा? तो भाई तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे होमगार्ड के कुछ जवान जो है तो एक वो रोटेशन में नए आए तो उनका अभी हम आज से हमारा उनका वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं, और जो होमगार्ड के जवान हैं या एसपीओ जो हमारे पास भी जो है 100% उनका हम वैक्सीनेशन करवाएंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो थी वो उसमें से 3 आदमी बचे थे जिनको कोई डॉक्टर की सलाह नहीं थी, अदरवाइज 100% को हमने जो है ना इंजेक्शन लगवा दिए गए। होमगार्ड के जो जवान हैं या एसपीओ जो है दे ऑल आर फ्रंट लाइन वर्कर, और जो फैसिलिटीज हैं वो पुलिस वाले के लिए, आर्मी वाले के लिए, होमगार्ड के लिए और जो स्वयं सेवक हैं उनके लिए, लोकल अर्बन बॉडीज के जो लोग हैं उनके लिए, सबके लिए सारी फैसिलिटीज सबके लिए मुहैया है और वो सबको मिल रही है। तो जो बूस्टर हम दे रहे हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर, जो दूसरी दवाइयाँ हम दे रहे हैं, विटामिन सी की टेबलेट्स देंगे, जो भी चीज़ें देंगे सब लोगों को देंगे, सबके लिए, पुलिस के साथ में जो लोग हम काम कर रहे हैं, वी आर वन टीम, और जो फैसिलिटीज हैं सबके लिए ओपन है। सर, मेरा ये सवाल था कि जो 250 जो लगभग जो होमगार्ड के जवान हैं वो अभी घरों में हैं, तो क्या उनको भी ड्यूटी वहाँ पर दिया जाएगा? अभी फिलहाल ये इस चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं की जा रही, अगर जरूरत होगी तो डेफिनेटली, क्योंकि जो देखिए रिसोर्सेज को ढूंढा जा रहा है और दे आर रिसोर्सफुल पर्सन जो ड्यूटी करके चले गए बट इस वक्त ड्यूटी पे नहीं है, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उन लोगों को भी बुलवाएंगे और ड्यूटी के ऊपर लेंगे। सर, अगर मान लो किसी का ई पास नहीं बन पाया किसी भी कारण से या रिजेक्ट हो जाता है और वो बाहर निकलता है किसी भी मजबूरी की वजह से, तो क्या उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है? देखिए, मजबूरी एक ही है, वो ये कि आपके घर में या तो कोरोना पेशेंट है उसके लिए ऑक्सीजन खत्म होगी, सिलेंडर आप लेके चल रहे हो, या आप उसके लिए दवाई लेने के लिए जा रहे हो, या उस पेशेंट को आप हॉस्पिटल एडमिट कराने के लिए लेकर जा रहे हो, या उस आदमी की कपड़ा, दवाइयाँ और खाना वो आप हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए जा रहे हो। इस कैटेगरी के जो लोग मिलते हैं सबको अलाउड कर रखा है ह्यूमनिटी के आधार के ऊपर कि उनको उनके पेशेंट की ज़रूरत है और वो लोग कहीं पर भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो जाए। पर ई पास का जो मिसयूज जो कर रहे हैं, एक बार एक आपकी आवश्यकता है, सुबह आप चले गए, एक शाम को चले गए, अब सारा दिन जो है उनके चक्कर लगाते रहोगे, इस तरीके से अगर आप मिसयूज कर रहे हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसने ई पास भी ले रखा है। सर, मैं अनाज डिपो पर राशन आ चुका है सर, वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और डिपो धारक के कहने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे, उसको लेकर क्या व्यवस्था की? ये नई नई चीजें आ रही हैं, आपने जो बताया डिपो धारक के ऊपर आ गया, अब ये देखिए पुलिस तो एक यूनिट है ना, एक कलेक्टिव नाउन है पुलिस, और पुलिस के बगैर हर जगह जो है ना पुलिस के बगैर काम चल नहीं रहा, तो वो जो नई नई संभावनाएं बनती जा रही हैं, जहाँ जहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स की आवश्यकता बढ़ती जा रही है वहाँ पे हम मुहैया करवा रहे हैं। ये जानकारी आपने हमें दे दी तो भाई आप देखना वहाँ पे हम जो है ना उसकी पुलिस फोर्स को पहुँचा देंगे और सारा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे। सर, काला बाजारी पर शिकंजा कसने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हमने देखिए, हमें जानकारी मिली तो हमने एक रेमडेसिविर की काला बाजारी जो करने वाले लोग थे, ऑक्सीमीटर जो है 700 रुपए के 1000 से लेकर के 1800 तक के बेचे जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सब लोगों के माध्यम से, जिस भी तरीके की कोई भी काला बाजारी, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हो, चाहे मेडिसिन की हो, किसी भी चीज़ की कोई भी कालाबाजारी करता है तो हमारे डीएसपी मन्नू की एक टीम हमने बना दी है स्पेशल,
एक टीम 5 आदमी की गठित कर रखी है, वो सोन नंबर पे आप सूचना देते हैं तो उसके पास में चली जाएगी, अदरवाइज डीएसपी अभिमन्यु साहब के पर्सनल नंबर पे आप सूचना देंगे तो उनके नंबर पे भी चली जाएगी और आपकी सूचना को गुप्त भी रखा जाएगा और डेफिनेटली तुरंत प्रभाव से हम कार्रवाई करके और ऐसे लोगों को। सर अखबार के अंदर 2 नंबर जारी किए गए थे, कल जब मैंने उनके ऊपर फोन मिला के देखा तो फोन ही नहीं मिलते हैं। नहीं, फोन मिलते हैं, बेसिकली आप ये मानिए जो नंबर दिए गए अखबार के अंदर तो लोग फोन करने वाले कितने ज्यादा है और कंट्रोल रूम पे अगर आप फोन करते हैं तो आप सुनिए आवाज आएगी, वो बताएगी अगर आपको पुलिस सहायता चाहिए 1 नंबर दबाइए, वो 1 नंबर दबाइए, आप वेट फॉर द ऑपरेटर, ऑपरेटर आएगा तो आप उसको अपनी बात को कहिए, अदरवाइज क्योंकि आप देखो कॉलर बहुत ज्यादा है और फोन जो है उनको अटेंड करने वाले कम, तो आपकी लाइनें बिजी चलती रहती है, इसको आपको लगता है कि फोन बिजी आ रहा है, आप वेट करें फिर ट्राई करें, नहीं तो व्हाट्सएप का मैसेज उसका यूज करें। लेकिन और आप व्यक्तिगत रूप से भी जा करके, अब मैं तो आई एम ओपन टू एवरीबडी, हमारे सारे ऑफिसर्स हैं वो सब ओपन है और वो लोग भी व्यक्तिगत रूप से जाकर के आए, हमारे सारे जो अधिकारी हैं उनको अपनी सूचना दें, मैडम बिल्कुल जो है वो पूरी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए हमने एक डीएसपी सीनियर डीएसपी जो है उनके सुपरविजन में एसआईटी बना दी। कालाबाजारी का कोई स्कोप नहीं है हमारे जिले के अंदर और जहां भी हमें सूचना मिलेगी कालाबाजारी के ऊपर हम बहुत सख्ती के साथ में अंकुश लगाएंगे और जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप लोग हमारा काम जो है अपने तरीके से भी करेंगे, आपके जो चैनल्स के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आप लोगों को बताइए फॉर द गॉड से घर से बाहर ना निकलें, वक्त मुश्किल का है, मुश्किल घड़ी है और इस मुश्किल घड़ी के अंदर आप अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ और दूसरे जो लोग और हैं जो सड़कों पे हैं जो काम के लिए बाहर निकले हुए हैं उन लोगों को आप तभी आप बचा सकते हो जब आप अपने घरों के अंदर रहोगे। आप लोग भी जिस तरीके से अभी जो बाइट ले रहे हो, आपने कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रखी, ये भी आपके लिए भी खतरा है, इसलिए आपको अब जैसे ही ये काम खत्म होता है सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए, आप लोग खुद बचोगे तभी तो सड़क पे आ पाओगे। सीलिन लगा रखी है वो लगानी चाहिए, ये आपके एक प्रोटेक्शन की एक चीज है, आप खुद भी बचिए दूसरे लोगों को बचाइए और सब लोग हम इस तरीके से काम करेंगे तभी ये कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे। सर क्या कोरोना को लेकर के कोई नई गाइडलाइंस हिसार जिले के अंदर लागू की गई है? नहीं, फिलहाल तो वही पुरानी गाइडलाइंस है, अभी एक नई चीज इम्प्लीमेंट जो की है वो की है कि ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो एक टीम बना दी गई है रेड क्रॉस की और वो टीम रजिस्टर्ड कर रही है जितने भी जो कस्टमर्स हैं आपके घर के ऊपर आपकी ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी, जो चार्जेज हैं वो फिक्स कर दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने और वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है वो सिर्फ आपसे लिया जाएगा, अदरवाइज ऑक्सीजन आपको अपने घर पर। ऑक्सीजन के सिलेंडर की दिक्कतें आ रही हैं, ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहे, ये बिल्कुल देखिए सिलेंडर जो है ऑक्सीजन का आपको आपको जानकारी होगी ये बनता बहुत बहुत कॉस्टली चीज है और इसको बनाने की जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है वो कम है, वो बना रहे हैं इतना संभव पूरा देश ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बिक रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हिसार के तलाकी गेट पर डीआईजी बलवान सिंह राणा जो है सभी पत्रकारों को रूबरू करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पर हिसार शहर में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और एक टीम बना दी गई है जो इसकी पूरी तरीके से निगरानी करेगी और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है और हर तरीके से हर चौक पर जो है पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, एम्बुलेंस को यहाँ पर नहीं रोका जा रहा है, बिल्कुल रास्ता दिया जा रहा है जिस प्रकार के आप देख पा रहे हैं और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर नाके बनाए गए हैं हर चौक चौराहे पर वहाँ पर बेवजह घर से बाहर निकलने वालों की चेकिंग की जा रही है, उनके व्हीकलों की चेकिंग की जा रही है और उनसे बात की जा रही है, उनसे कारण जाना जा रहा है, ई पास जो है वो चेक किए जा रहे हैं और देखने की बात यह है कि ई पास चेक करने के दौरान कुछ 225 के करीब पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वो भी संक्रमित हो चुके हैं, तो प्रशासन को जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के का भी जो है ख्याल रखना चाहिए, उनके दवा के लिए या इम्यूनिटी के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। तो ये खबर यहीं तक, आगे की जैसे भी रूपरेखा रहेगी आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, धन्यवाद।